तो एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, नौवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी है, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, और बीजेपी ने जिस तरह से अभी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री की पद पर जरूर आसीन है लेकिन स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है, ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। जो घटनाक्रम आज हुआ बिहार में, बिहार की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा, लेकिन 2024 को और इंडिया गठबंधन को कैसे प्रभावित करेगा वो भी आपको बताएंगे। TV9 भारतवर्ष पर हम आपको बताएंगे कि अब से थोड़ी देर पहले कैसे नीतीश कुमार ने नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ तो ली। उनके साथ बीजेपी के दो नेताओं ने उप मुख्यमंत्री और बाकी 6 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के पाला बदलने से कांग्रेस को लेकिन बड़ा झटका लगा है क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के सूत्रधार नीतीश ही थे जो अब नरेंद्र मोदी के रथ पर सवार हो गए हैं। इसे लेकर एनडीए और इंडिया में कैसे शब्द युद्ध चल रहा है आपको वो भी दिखाएंगे। उससे पहले नीतीश की नई सरकार का जाति समीकरण भी, लेकिन देख लीजिए किस तरह का जातीय समीकरण दिखाई देगा। जेडीयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं, बिहार में कुर्मी करीब 3% हैं। जेडीयू कोटे से कुर्मी जाति के ही श्रवण कुमार भी मंत्री बनाए गए हैं, तो बीजेपी से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कोयरी जाति से हैं। राज्य में कोयरी आबादी 4% है। बीजेपी से दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हैं जो भूमिहार जाति से आते हैं, बिहार में भूमिहार आबादी करीब 3% है। जेडीयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी भी भूमिहार ही हैं। जेडीयू कोटे के मंत्री इसके बाद बिजेंद्र प्रसाद यादव, बिहार की सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति यादव समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राज्य में यादव आबादी 14% है और आरजेडी को चुनौती देने के लिए इस तरह के नेताओं का कद बढ़ाया गया है लगातार, जेडीयू के भीतर भी और बीजेपी में भी। बीजेपी कोटे से मंत्री प्रेम कुमार कहार जाति से आते हैं जिसकी आबादी राज्य में करीब 2% है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सभी को अहमियत दी जा रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के संतोष सुमन ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। संतोष सुमन मुसहर जाति से आते हैं जिसकी आबादी 3% है। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह भी मंत्री बने हैं जो राजपूत जाति से आते हैं, बिहार में राजपूत आबादी करीब 3.5% है लेकिन उनकी अहमियत है बहुत, उनका हमेशा से समर्थन बीजेपी के साथ रहा है और इस वजह से भी उनको शामिल किया गया है मंत्री परिषद में। लेकिन आपको बता दें कि 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के सूत्रधार नीतीश कुमार ही थे, लेकिन पहले हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी की जोरदार जीत, फिर राम मंदिर का उद्घाटन और इंडिया के अंदर संयोजक के पद पर रार के बाद नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है। ऐसे में जिस विपक्षी गठबंधन इंडिया में 28 दल थे उसमें से 40 लोकसभा सीटों वाले राज्य बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने अब एनडीए का दामन थाम लिया है, इंडिया से वो एग्जिट कर गए हैं। 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, कांग्रेस को वो पूरी तरह से झटका दे चुकी हैं। इसके बाद 13 लोकसभा सीटों वाले पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यानी इन 3 राज्यों में इंडिया के साथ नहीं जा रहे हैं वो दल जो वहां पर ज्यादा असर रखते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे की उम्मीद अभी तक बाकी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में 3 राज्यों की 95 सीटों पर विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार देने की उम्मीद अब टूटती दिख रही है। यानी एक साथ कर मिलकर वो चुनाव यहां पर लड़े ऐसी उम्मीद अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन नीतीश कुमार के एक बार फिर एनडीए में लौटने पर किस पार्टी के नेता ने क्या कहा है वो भी आइए आपको दिखा देते हैं कि कौन क्या कह रहा है और उससे क्या संकेत मिल रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की अकाल मौत हो गई है, अब उसका अस्तित्व ही नहीं रहा है, खत्म हो गया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बहुत अहम बात कही है, खेल अभी बाकी है, गठबंधन मजबूत है, यानी इंडिया गठबंधन मजबूत है ये दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। रामकृपाल यादव ने कहा कि जिसने बीज बोया वो ही नहीं रहा, नीतीश कुमार थे अगवा, नीतीश कुमार सबको साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, वही नहीं है तो फिर इंडिया का क्या मतलब। नीतीश विश्वासघाती गठबंधन और मजबूत होगा, यानी नीतीश कुमार विश्वासघाती हैं लेकिन गठबंधन और मजबूत होगा, ये कहना था जयराम रमेश का। उन्होंने तो गिरगिट से भी तुलना कर दी नीतीश कुमार की। नीतीश के खिलाफ कांग्रेस ने साजिश की, केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया, बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार कांग्रेस पार्टी अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। संजय राउत की तरफ से, शिवसेना की तरफ से बयान दिया गया कि नीतीश की मानसिक सेहत ठीक नहीं है, जिस तरह से वो बार बार पलट रहे हैं। उन्होंने सीधे नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला ही कर दिया। खड़गे ने क्या कहा है सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि देश में आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं, यानी नीतीश कुमार उसी श्रेणी में आते हैं। ये सीधा हमला नीतीश कुमार पर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि
लोकसभा चुनाव गठबंधन के हम साथ ही लड़ेंगे, यानी इंडिया गठबंधन के साथ ही हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये कह रहे हैं अभी भी अरविंद केजरीवाल। तो क्या उम्मीद बाकी है पंजाब में अभी? हालांकि भगवंत मान अलग तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ तुहिन सिन्हा मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, उनसे हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। बादल देवनाथ हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। और सैयद अफजल अब्बास हमारे साथ जुड़ेंगे जो जेडीयू के नेता हैं। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, ये कहा जा रहा है कि देखिए ये 95 सीटें पंजाब में अभी गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार में साफ तौर पर स्थिति दिखाई दे रही है कि आपसे अलग जाकर ही लड़ेंगे चुनाव। इंडिया गठबंधन का फिर उत्तर भारत में कहाँ अस्तित्व दिखाई दे रहा है? देखिए दो तीन चीजें हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, दिल्ली में इंडिया गठबंधन, हरियाणा में इंडिया गठबंधन। आप मुझे ये बताइए, बिहार में एक दल के चले जाने से क्या गठबंधन खत्म हो गया? नहीं, वहाँ पर जो सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव जी की आरजेडी पार्टी है, लालू जी की, सारी लेफ्ट पार्टियाँ, ममता बनर्जी साहिबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ये खाम खां की जो बातें, जिसको कह सकते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ के लोग कर रहे हैं, ये देख दो दिन की सुरसुरी है। सच बात ये है कि आज जैसे केसी त्यागी साहब ने कहा, जी जी देखिए केसी त्यागी जी जो कह रहे थे उसी पर मैं आ भी रही थी कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद को बढ़ाना चाहती है। उन्होंने सीधे आरोप आप पर लगाया, वो तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने बीज बोया वही चले गए हैं, तो अब पेड़ का क्या होगा? नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे थे, नीतीश कुमार सबको साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी क्या अपने आप को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है? आप लोग बाकी लोगों को साथ लेकर चलना नहीं चाह रहे, क्या इस वजह से ये नतीजा हुआ है? सुमेरा मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, प्लीज बीच में मत टूकिएगा, लगभग एक से डेढ़ मिनट का, इससे ज्यादा नहीं। वो कहते हैं ना, एक बड़ा पुराना शेर था कि दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे, वार करना है तो कर सीने पे कर, दुश्मनी कर दगा छोड़ दे। मैं केसी त्यागी साहब से बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, केसी त्यागी साहब